Next, another example of C program. Check the whether a given character is vowel or not. Means किसी भी characters के respect में बात करें, characters के case में possible cases क्या हैं? Entered character may be alphabet or digits or some special symbol or maybe some special symbol like that. इस किसी भी कैरेक्टर एंटर्ड कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस क्या है, एंटर्ड कैरेक्टर मे बी अल्फाबेट मे बी डिजिट और मे बी स्पेशल सिंबल्स. देन करंटली एप्लीकेशन किसके लिए ध्यान करना, चेकिंग वेदर अ गिवन कैरेक्टर और गिवन अल्फाबेट इज वोवेल और नॉट. तो वोवेल्स का कॉन्सेप्ट किसके केस में पॉसिबल हो, ओनली इन केस ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स नॉट अ वोवेल. सेम एज वोवेल कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेशल सिंबल्स. तो सबसे पहले इस केस में जो भी कैरेक्टर एंटर करेंगे कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले टोटल पॉसिबल किसके कितने होंगे, कैरेक्टर मे बी अल्फाबेट मे बी डिजिट्स मे बी स्पेशल सिंबल्स. मीन्स एंटर्ड कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है और स्पेशल सिंबल भी हो सकता है. देन सबसे पहले वेरीफाई किसके लिए करेंगे, अल्फाबेट्स के लिए. सपोज दैट अगर एंटर्ड कैरेक्टर अल्फाबेट ही नहीं, देन कभी वोवेल होने के चांसेस ही नहीं. तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, अल्फाबेट्स. नेक्स्ट वन, अल्फाबेट्स के केसेस में टू टाइप्स के अल्फाबेट्स पॉसिबल होंगे, अपर केस अल्फाबेट और लोअर केस अल्फाबेट्स. अपर केस के केस में वोवेल्स कितने हैं, फाइव, लाइक ए ई आई ओ यू. सेम एज इन लोअर केस अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू, फाइव कैरेक्टर्स और फाइव सिंबल्स. मीन्स फाइव सिंबल्स इन केस ऑफ अपर केस, फाइव सिंबल्स इन केस ऑफ लोअर केस, ए आई ए ई आई ओ यू, लाइक दैट. तो टोटल इस केस में इफ कंडीशंस कितने कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में अप्लाई करना, टेन कैरेक्टर्स. मीन्स कंडीशंस अप्लाई करेंगे ओनली फॉर वोवेल्स. देन अरे कंडीशन फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेंगे गिवन कैरेक्टर एन अदर अल्फाबेट और अदर देन वोवेल्स. लाइक द फर्स्ट कंडीशन, इस केस में सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशंस. वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, ओनली सिंगल वेरिएबल्स, वर्ड मेन कैरेक्टर वेरिएबल सी एस. नेक्स्ट स्टेप रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. मीन्स डेटा रीड करने से जस्ट पहले मैसेज एंटर करेंगे, एंटर द कैरेक्टर्स लाइक दैट. नेक्स्ट वन, कैरेक्टर एंटर होने के जस्ट बाद कैरेक्टर्स को रीड करने के जस्ट अभी यूज क्या करें, स्कैन एफ फंक्शन यूजिंग परसेंट सी एड्रेस एट सी एच. नेक्स्ट वन, कैरेक्टर रीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अप्लाइंग कंडीशंस. तो सबसे पहले कंडीशंस किसके लिए चेक करना, चेकिंग गिवन कैरेक्टर्स वेदर अल्फाबेट और नॉट. अगर अल्फाबेट ही नहीं है देन इस केस में कभी भी अपर केस या लोअर केस सॉरी वोवेल्स होने के चांसेस नहीं. मीन्स देखा जाए तो इस केस में डायरेक्टली वोवेल्स के लिए भी कंडीशन अप्लाई करना पॉसिबल है और पहले अल्फाबेट्स के लिए कंडीशन देन वोवेल्स, दोनों तो केस पॉसिबल होंगे. मीन्स इस केस में अल्फाबेट्स चेक करनी नीड ही नहीं, डायरेक्टली कंडीशन से अप्लाई करेंगे. सेपरेट इंडिविजुअल कंडीशंस फॉर ऑल वोवेल्स, टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स कितने, 10 वोवेल्स, इसलिए कंडीशंस भी कितने अप्लाई होंगे, 10 इफ कंडीशंस. 10 इफ कंडीशंस भी प्रोवाइड करना पॉसिबल है, मल्टीपल 10 कंडीशंस लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कंबाइन करना भी पॉसिबल हुआ. सपोज दैट कंडीशन वन, कंडीशन वन फॉर चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज अपर केस ए और नॉट, कंडीशन टू फॉर चेकिंग गिवन कैरेक्टर इज लोअर केस ए और नॉट, एंड सो ऑन. स्टार्ट से टोटल कंडीशंस कितने होंगे, 10 कंडीशंस. मीन्स 10 कंडीशंस या तो सेपरेट 10 इफ के अंदर प्रोवाइड करना पॉसिबल है, या फिर इसका अल्टरनेटिव क्या हुआ, 10 डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लॉजिकल और ऑपरेटर्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, कंडीशन वन और कंडीशन टू और कंडीशन थ्री और अप टू कंडीशन 10. मीन्स इस केस में एक सिंगल इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस कंबाइंड करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर, बिकॉज इस केस में कंबाइंड करना पॉसिबल क्या होंगे, सभी केस में अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, एनी कंडीशन, सभी केस में मैसेज डिस्प्ले कराना है एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल, और इस केस में डिस्प्ले क्या कराना है, एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल.
अगर मल्टीपल इफ कंडीशंस के केसेस में सेम लॉजिक से एग्जीक्यूट करना, देन मल्टीपल इफ के प्लेस पर मल्टीपल इफ को रिप्लेस कराने वाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। दिस इज द अनदर यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स। इस केस में एक से ज़्यादा कैसे कंडीशन, सिमिलर कंडीशंस मीन्स सभी कंडीशंस के केसेस में मैसेज एग्जैक्टली सेम रिक्वायर्ड है। इन दैट केस ओनली सिंगल इफ प्रोवाइड करेंगे, मीन्स सेम प्रोग्राम सिंगल इफ कंडीशंस के थ्रू भी प्रोवाइड करना पॉसिबल, 10 डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल इफ कंडीशंस के थ्रू प्रोवाइड करना पॉसिबल हुआ। इफ कंडीशंस चेक द गिवन कैरेक्टर्स अपर केस ए और नॉट, मीन्स टोटल कितने सिंबल्स है, कंडीशंस कितने आएंगे, ए ई आई ओ यू स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू, 10 कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन से अप्लाई कर रहा हूँ कैरेक्टर ए के लिए, अगर गिवन कैरेक्टर सी एच का आस्की वैल्यू अगर कैपिटल ए के आस्की वैल्यू के इक्विवेलेंट है देन इसका टाइप क्या होगा, वोवेल। बट सपोज दैट अरे ए से मैच नहीं तो देन नेक्स्ट टाइम मैच किससे कराएंगे, ई से। सी एच इक्वल इक्वल ASCII वैल्यू ऑफ E, नेक्स्ट लेवल पर मैच किसके लिए कराएंगे, I के लिए। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन CH इक्वल इक्वल ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल I, नेक्स्ट वन चेकिंग फॉर O, CH इक्वल इक्वल O, नेक्स्ट वन U, CH इक्वल इक्वल यू देन नेक्स्ट वन में भी ओ, ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन ए और एक्सप्रेशन सी एच इक्वल इक्वल स्मॉल ए और ऑपरेटर, नेक्स्ट वन कंडीशन फॉर ई, नेक्स्ट लाइन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको सी एच इक्वल इक्वल कैरेक्टर ई, अगर सी एच का आस्की वैल्यू या तो ई के इक्वलेंट है या फिर I, if CH equal equal ASCII value of I, or CH equal equal ASCII value of O, then finally one more case, if CH equal equal ASCII value of U, अगर इनमें से एक भी condition satisfy हो रहा है then given character का type क्या है, given alphabet का type क्या है, vowel, then if body के अंदर provide करें message as entered character is vowel, means checking किसके लिए कराना, only for vowels। next अगर इसमें से एक means अगर all conditions false हैं या एक भी condition satisfy नहीं हो रहा है then इसका type क्या है, not a vowel, then condition किसके लिए apply करेंगे, else there is no conditions, डायरेक्टली एस ब्लॉक में राइट करें प्रिंट एफ एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट वोवेल, आइदर वोवेल और नॉट वोवेल। इस टाइप से इफ कंडीशन से अप्लाई करके गिवन कैरेक्टर का टाइप आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हुआ, मीन्स इस केस में ओवरऑल कंडीशंस कितने रिकॉर्ड, 10 कंडीशन। जब भी कोई कैरेक्टर वैल्यू एंटर कराएंगे या इनपुट कराएंगे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, मीन्स सी एच का वैल्यू मैच किससे होगा, आस्की वैल्यू ऑफ ए। अगर मैच हो रहा था डायरेक्टली और के केस में क्या रहता है, जनरली अगर फर्स्ट कंडीशन टू द रिमेनिंग कंडीशन टेस्ट ही नहीं होगी, फर्स्ट कंडीशंस के बेसिस पर ही डायरेक्टली डिस्प्यूट जाएगा जब वोवेल। बट सपोज दैट फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है एंड चेक किया हुआ सेकेंड कंडीशन, और ऑपरेटर का जनरल बिहेवियर क्या, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है देन ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू। सिमिलरली अगर 10 कंडीशन में से आउट ऑफ 10 में से अगर सी एच का वैल्यू किसी भी वोवेल के साथ मैच होता है देन उस केस में डिस्प्यूट है वोवेल, अगर ऑल कंडीशंस फॉल्स हैं देन कंट्रोल कहाँ जाएगा, इनसाइड एल्स ब्लॉक, इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगा एंटर्ड कैरेक्टर्स